Hello everyone, welcome to our channel Complete Solution. In this video, I will be discussing about the circulation of blood. इस वीडियो में देखते हैं हम ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में. सो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. एज वी नो दैट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन. हमें ये पता है दैट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डबल सर्कुलेशन. ह्यूमन हार्ट के सर्कुलेशन जो होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं, व्हाई? द रीजन इज दैट बिकॉज ब्लड कम ट्वाइस टू द हार्ट इन वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल. देखिए, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन. बिकॉज डबल सर्कुलेशन ये है इसलिए क्योंकि ब्लड कम ट्वाइस टू द हार्ट. ब्लड दो बार आता है हार्ट के अंदर एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज डबल सर्कुलेशन. अब ये जो डबल सर्कुलेशन है वो दो फेजेस में होता है. पहला फेज है इसका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मींस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन. हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. दूसरा है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन. द वर्ड पल्मोनरी इट मीन्स लंग. अब यहाँ पे क्या है, सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये दो मेन सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन में. इसको हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ये कैसे सर्कुलेशन ब्लड का होता है हार्ट के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम के थ्रू. एज वी नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलवेज रिसीव द ब्लड. हमने ये देखा था कि हार्ट के चार चेंबर हैं जिसमें से अपर टू चेंबर्स आर ऑरिकल एंड द लोअर टू चेंबर्स आर वेंट्रिकल. एंड ऑरिकल ऑलवेज रिसीव्स द ब्लड. ऑरिकल क्या करता है, ब्लड हमेशा रिसीव करता है. अब देखेंगे हम कि इस डायग्राम में ऑरिकल कहाँ है, वेंट्रिकल कहाँ है. वी नो दैट कि अब ये देखिए, ऑरिकल हमारा दो पार्ट में है, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल. ऐसे वेंट्रिकल भी है, लेफ्ट और राइट. तो ये हमने देख लिया, ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. अब मेन स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट की जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और राइट साइड रहता है डी ऑक्सीजनेटेड. सो अब स्टार्ट करते हैं. सो लंग्स से हार्ट में ब्लड आया, लंग्स टू हार्ट, और हार्ट में कहां पर आएगा, ऑरिकल में आएगा, वो भी कौन से, लेफ्ट ऑरिकल में. तो लंग्स से हार्ट में ब्लड आया थ्रू अ ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन. इस ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आया, ये आया ब्लड. और ये कहां से आ रहा, थ्रू लंग्स, लंग्स से आ रहा था ये ब्लड. कहां से, लंग्स से. और दैट वेसल दैट ब्रॉट द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू पल्मोनरी, लंग्स टू हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स. अब ब्लड कहां से स्टार्ट हुआ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करता है. तो क्या हुआ, लंग्स ने ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया, और दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, लंग्स से हार्ट में आया. हार्ट में किस चेंबर में आएगा, हमें ये पता है ऑरिकल ऑलवेज रिसीव द ब्लड. तो ऑरिकल का कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल है. तो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ गया. अब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, तो ऑरिकल का मेन फंक्शन क्या है, ऑरिकल पंप्स दिस ब्लड टू वेंट्रिकल. ऑरिकल क्या करता है, इस ब्लड को वेंट्रिकल में भेज देता है, यहां से थ्रू वॉल्व्स. यहां पे वॉल्व्स होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में. और जो लेफ्ट साइड है हमारा हार्ट का, उसमें है बाइकस्पिड वॉल्व, दैट वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड. तो यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व है. अब ये वॉल्व है किस लिए, द रीजन व्हाई दिस वॉल्व इज बिकॉज इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल. ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना चला जाए ब्लड, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है. ये वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को वेंट्रिकल में आने देते हैं, और जब वापस ब्लड जाता है ऑरिकल की साइड तो क्या होता है, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं. सो ब्लड कहाँ रह गया, वेंट्रिकल में. सो अभी ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आया थ्रू पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड इकट्ठा हुआ, और वहां से फिर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगा, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू अ ब्लड वेसल कॉल्ड आयोटा.
आयोटा। अब हार्ट ये हमारे ब्लड ये आ गया, ब्लड इधर पे आने के बाद आयोटा के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगा। ये हो गई जर्नी। मींस लंग से कहाँ आया था? लेफ्ट ऑरिकल में। ऑरिकल ने इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकली है उसको हम बोलते हैं आयोटा। वो ब्लड को कहाँ ले गई? टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। ये हो गया हमारे लेफ्ट साइड का टोटल। अब हम देखेंगे यहाँ से अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगा आयोटा, अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगी, लेके जाएगी ब्लड को। और ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा, हर बॉडी पार्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा और ब्लड को क्या कर देगा? डी ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि ये कैसा कैरी कर रहा थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी ऑर्गन से निकल के वापस हार्ट में आएगा। अब आ गया तो दूसरी बार, पहली बार लंग से आया था और सेकेंड टाइम इट इज कमिंग बाय डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, अलग अलग बॉडी ऑर्गन से अब वापस आएगा। और जो वापस ऑरिकल में लेके आएगी वो होगी वेना केवा। वेना केवा कहाँ लेके आएगी? राइट ऑरिकल में। तो ब्लड हमारा राइट ऑरिकल में आ जाएगा। आ गया राइट ऑरिकल। ऑरिकल का मेन फंक्शन वही होता है, ये पंप करेगा किसमें? वेंट्रिकल में। और यहाँ से ये वापस वेंट्रिकल में फिर ब्लड चला जाएगा। यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वॉल, वहाँ बाइकस्पिड था, यहाँ पे ट्राइकस्पिड है। बस एक चीज याद रखना है, लेफ्ट साइड भी है बाइकस्पिड एंड राइट साइड भी है ट्राइकस्पिड। यहाँ पे इतना हो गया। वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल से वापस ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। क्यों? क्योंकि ये ब्लड जो इस साइड है हमारे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वापस अगर लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इसीलिए हार्ट इसको वापस कहाँ भेजेगा? लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये हुआ एक पूरा साइकिल ब्लड का। ब्लड लंग्स से जो निकला था वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करा थ्रू द वेन्स, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करा, देन लेफ्ट ऑरिकल ने क्या करा? वेंट्रिकल में दे दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करा? इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेजा। डिफरेंट बॉडी पार्ट में किस वेसल्स के थ्रू भेजा? आयोटा। आयोटा ने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट में भेज दिया हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। अब ऑर्गन्स ने क्या करा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसका ऑक्सीजन ले लिया। अब उसको क्या कर दिया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा। हार्ट के किस चेंबर में आएगा? राइट ऑरिकल में। और जो ब्लड वेसल इसको राइट ऑरिकल में लेके आएगी दैट इज वेना केवा। वेना केवा क्या करेगी? राइट ऑरिकल में लाएगी। राइट ऑरिकल में आ गई। अब ऑरिकल का काम यही होता है वेंट्रिकल में पुश कर देगा। वेंट्रिकल में जैसे ही आया तो वेंट्रिकल क्या करेगा? इसको वापस पंप करेगा। अब ये इस बार पंप कहाँ करेगा? लंग्स में भेजेगा। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये वापस जब पंप होगा लंग्स में जाएगा तो वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये कंप्लीट हमने देख लिया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। हमने पहले पढ़ा बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन। हार्ट बॉडी ऑर्गन के जो हमारा सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करा, देखिए ये आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद आयोटा, आयोटा के थ्रू क्या हुआ? अलग अलग आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू बॉडी पार्ट में चला जाएगा और वापस ये कहाँ आ जाएगा? राइट ऑरिकल में। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? लंग्स में, लंग्स जो होता है हमारा उसमें दो ब्लड वेसल मेन कनेक्टेड है, एक है, हम दोनों का नाम पल्मोनरी है। बस ये चीज याद रखना है कि पल्मोनरी वेन, वेन क्या करती है? ब्लड को लंग्स से हार्ट लेके जाती है। देखो इस डायग्राम में ये दिख रहा है, लंग्स से हार्ट लेके जो जा रही है वो है पल्मोनरी वेन। और वापस ये आर्टिकल उसमें लेफ्ट ऑरिकल में आया, ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट में क्या मिला? बॉडी पार्ट ने क्या करा? ऑक्सीजन ले लिया, इसको डीऑक्सीजनेटेड करके वापस आगे आगे भेज दिया कि जाओ भाई। अब ये वापस क्या हुआ? हार्ट में आया कहाँ? राइट ऑरिकल। और ये किसके थ्रू आया? वेना केवा। एंड दिस वेना केवा टू द राइट, अब वापस लंग्स में आ गया। देखिए लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में लाई, ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू आयोटा, आयोटा से फिर वेना केवा राइट ऑरिकल लेके गई, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से वापस लंग्स में आया किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये हो गया, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड रहता है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड रहता है। यही हो गया हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।